इस वक्त में सबसे पहले बात कर लेते हैं योगी आदित्यनाथ के रक्षाबंधन गिफ्ट की। क्या कुछ रक्षाबंधन गिफ्ट उन्होंने प्रदेश की महिलाओं को दिया है, क्या कुछ महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया है, इस पर सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि देश की विकास यात्रा में महिलाओं की भूमिका लगातार बढ़ रही है और इस भूमिका को और बढ़ावा देने के लिए केंद्र की मोदी सरकार के साथ साथ दूसरी राज्य सरकारों ने भी कदम उठाया है। रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की धनराशि में बढ़ोतरी की घोषणा की है। ये बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इस राशि को बढ़ाया है और तब से कन्या सुमंगला योजना की धनराशि को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 किया जा रहा है। योजना के तहत 6 चरणों में अब 25,000 की धनराशि दी जाएगी। बेटी के जन्म लेते ही अभिभावक के खाते में 5,000 रुपए हस्तांतरित कर दिए जाएंगे और 6 चरणों में 25,000 रुपए कुल दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के जरिए यूपी की 16,24,000 बेटियों को लाभ मिल रहा है। 16 लाख से ज्यादा बेटियों को कन्या सुमंगला योजना का लाभ मिल रहा है और प्रदेश की बेटियों को अब अपने सपने को पूरा करने में और सुलभता होगी, वो शिक्षित और आत्मनिर्भर भी बन सकेगी, ऐसी सोच के साथ ये योजना लाई गई है। पार्टी के स्तर पर भी बीजेपी ने निर्धन और वंचित तबकों तक पहुंच बनाने और सामाजिक विस्तार का कार्यक्रम बनाया है। तो सरकार और पार्टी दोनों के स्तर पर वंचित तबकों तक पहुंचने के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही है बीजेपी और बीजेपी के 25,000 महिला कार्यकर्ता गरीब बस्तियों में स्नेह यात्रा चला रही हैं। रक्षाबंधन के पर्व पर वंचितों को अपने स्नेह सूत्र में पिरोकर सामाजिक समरसता का संदेश दे रही है बीजेपी। और ये यात्रा सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश इसका एक हिस्सा है और इस रक्षाबंधन के मौके पर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थियों से संवाद के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना की धनराशि में बढ़ोतरी की घोषणा की है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। बेटी पहली क्लास में एडमिशन ले, फिर 2,000 रुपए इस बेटी के पास पहुंच जाए। बेटी छठी क्लास में चली जाए तो बेटी को फिर 2,000 रुपए की राशि उसके अकाउंट में चली जाए। बेटी नौवीं क्लास में जाए तो 3,000 रुपए की राशि फिर बेटी के नाम पर चला जाए और बेटी जब हाई स्कूल के बाद इंटरमीडिएट की परीक्षा में कोई डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेट का कोर्स या उसके बाद स्नातक करती है तो 5,000 की राशि सरकार उस बेटी की अकाउंट में दे सके, उस बेटी के पास दे सके, इसके लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला की योजना हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लागू की। और आइए सुनते हैं दिल्ली बीजेपी की प्रवक्ता नीतू डबास ने स्नेह यात्रा अभियान को लेकर क्या कुछ कहा। नमस्कार। भाई बहन के आपसी प्रेम, आदर और समर्पण का त्योहार रक्षाबंधन की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। और इस रक्षाबंधन पर प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता अपनी बहनों के प्रति फिर से देखने को मिली। उज्ज्वला बहनों की सिलेंडर पर 400 रुपये की सब्सिडी बढ़ाकर और आम सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी और इसके साथ ही 75 लाख नए कनेक्शन देकर प्रधानमंत्री जी ने अपनी बहनों को विशेष उपहार इस रक्षाबंधन पर दिया है। हम सभी प्रधानमंत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और इसके साथ ही मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि महिला मोर्चा भी इस बार ये राखी का त्यौहार अलग तरीके से मना रहा है, स्नेह यात्रा के तौर पर मना रहा है। जब हम बाहर निकलते हैं रोड पर तो ऑटो चालक भैया को, रिक्शा चालक भैया को और वो भाई जो हमारे घरों तक हमारे सामान पहुंचाते हैं, डिलीवरी बॉय, इन सभी को राखी बांधकर इस बार स्नेह यात्रा के तौर पर ये राखी का त्यौहार मना रहा है। आप सभी को पुनः पुनः राखी की ढेरों शुभकामनाएं। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले आपसे, इससे पहले कि इस स्नेह यात्रा की और कन्या सुमंगला योजना की बात करें, इससे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे जिस तरह से पार्लियामेंट का सेशन बुलाया गया है, ये खबर अभी आ रही है लगातार, इसको लेकर के आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ है इसके डिटेल्स और इस सेशन में क्या कुछ डिस्कस किया जाएगा। 5 दिन का ये सेशन है। देखिए, 18 से 22 सितंबर तक 5 दिन का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान
संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की तरफ से किया गया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी है कि इस तरह का सत्र, विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, और ये उम्मीद भी जताई है कि अमृतकाल के मौके पर जब ये विशेष सत्र बुलाया जा रहा है तो इसमें सार्थक चर्चा होगी, इस बात का इंतजार रहेगा, बहस होगी। क्या महत्वपूर्ण मुद्दा है इसको लेकर कयास लगाया जा रहा है, हालांकि कोई आधिकारिक जानकारी अभी नहीं दी गई है, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि सरकार एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर ये चाहती है कि सदन में चर्चा हो, और चूंकि चर्चा और बहस सदन में हो, संसद के सत्र के दौरान एक तरह से संदेश जाए कि सार्थक चर्चा और बहस होती है, ये संकेत भी स्पष्ट तौर पर जाए, इसलिए ये विशेष सत्र बुलाया गया। लेकिन हम सब जानते हैं कि जब भी कोई विशेष सत्र बुलाया जाता है, चूंकि आमतौर पर आप देखें बजट सत्र का दो चरण होता है, मानसून सत्र होता है और फिर शीतकालीन सत्र होता है, और उसके बीच अगर कोई विशेष सत्र बुलाया जाता है तो उसकी कोई विशेष वजह होती है, किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा होनी होती है, जैसे जीएसटी पर हमने देखा था कि देर रात तक संसद बैठी थी, इस तरह से कोई विशेष सत्र का आयोजन किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। लेकिन फिलहाल इस बात की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है कि किस महत्वपूर्ण विशेष मुद्दे के लिए इस विशेष सत्र का आयोजन किया गया है, लेकिन संकेत स्पष्ट है कि 5 दिन का विशेष सत्र बुलाना अपने आप में बताता है कि सरकार यह चाहती है, सत्ता पक्ष यह चाहती है कि महत्वपूर्ण और सार्थक चर्चा लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हो, इसलिए दोनों के राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सत्रों को आहूत किया गया है विशेष सत्र के लिए 5 दिन के लिए, तो बहुत महत्वपूर्ण है। जब थोड़ी देर पहले ट्वीट करके जानकारी संसदीय कार्य मंत्री ने दी है जी, तो अभी जैसे कि थोड़ी देर पहले दी गई है, आपने खुद कहा कि अभी फिलहाल नहीं पता चल सका है कि आखिर वो विषय महत्वपूर्ण क्या है, तो जाहिर तौर पर जो विपक्ष है या जो दूसरे इससे संबंधित लोग हैं या इवन सरकार में शामिल जो नेता हैं उनसे अभी कोई रिएक्शन नहीं मिल पाया होगा, लेकिन क्या कुछ इस पर चर्चा हो सकती है? जो पहले जो सत्र बुलाए गए हैं विशेष सत्र, उनमें किस तरह की चर्चा हुई है, ये भी जानकारी देंगे आप? जी देखिए, हमने कुछ कोशिश की कि जैसे ही खबर आई, सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं से बात हुई, उन्होंने कहा कि जब इतना महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है 5 दिन का संसद का विशेष सत्र बुलाने का, तो निश्चित तौर पर विषय भी बहुत महत्वपूर्ण होगा और उम्मीद यही रहेगी कि सार्थक चर्चा होगी, सभी राजनीतिक दलों के जो प्रमुख नेता हैं वो इस चर्चा में शामिल होंगे, सार्थक चर्चा में शामिल होंगे, और अमृतकाल में दुनिया भर में एक संदेश जाएगा कि भारत की जो संसद है, भारत के जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, वहाँ पर सार्थक चर्चा होती है, बहस होती है, संवाद होती है, और उससे भारत का लोकतंत्र मजबूत होता है। तो निश्चित तौर पर इस बात की प्रतिक्रिया आ रही है और सभी को कौतूहल भी है, क्योंकि ये चिंता लगातार जाहिर की जाती रही है, अगर आप पिछले कुछ सत्रों में देखें कि जितनी देर तक चर्चा, बहस, संवाद होना चाहिए संसद में नहीं हो पा रहा है, कई बार कुछ मुद्दों पर गतिरोध को लेकर, कई बार विपक्षी दलों के रुख को लेकर, तो ऐसे में जब विशेष सत्र का आयोजन किया गया है तो एक सार्थक चर्चा हो, सभी दल के नेता उसमें शामिल हो, इस बात की उम्मीद की गई है। इससे पहले का अगर आप इतिहास देखें तब किसी विशेष विषय पर अगर कोई विशेष सत्र बुलाया जाता है या कई बार किसी विशेष दिन पर किसी विधेयक पर या किसी विषय पर चर्चा होती है तो हम देखते हैं कि गतिरोध के बावजूद उस दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष सहमति बनाते हैं चर्चा को लेकर। हमने देखा कि दिल्ली मुद्दे पर जिस तरह से चर्चा हुई मानसून सत्र के दौरान, इसके साथ ही साथ चर्चा हुई कई अन्य मुद्दों पर काफी गतिरोध के बाद, हमने देखा उत्तर पूर्व के विषय पर लेकर जो मणिपुर का मामला था उस पर चर्चा हुई, और सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम सांसदों ने हिस्सा लिया, कई घंटे पर चर्चा हुई, सरकार की तरफ से जवाब दिया गया। तो ये देखें कि जब भी सदन में एक सहमति बनती है सत्ता और विपक्ष के बीच और आसन अनुमति देता है तो हमने लंबी सार्थक चर्चा देखी है लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, और भारत की संसदीय लोकतंत्र का ये इतिहास रहा है जिसमें एक से एक बेहतरीन चर्चा देखने को मिली है, तो उम्मीद यही होगी कि इतिहास एक तरह से लिखा जाएगा। पॉजिटिवली सोचते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये भी ये एक अच्छी चर्चा होगी, जो विषय होगा वो निश्चित तौर पर गंभीर होगा। फिलहाल अगर जो रक्षाबंधन के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की महिलाओं को जो गिफ्ट दिया है कन्या सुमंगला योजना में जो बढ़ोतरी की है, उसके विशेष संदर्भ में भी आप जानकारी देना चाहेंगे? जी देखिए, ये योजना आप पहले से देखें तो योगी आदित्यनाथ सरकार चला रही थी और उसमें आप देखें एनरोलमेंट वो लगातार बढ़ रहा है, यानी अवेयरनेस बढ़ रहा है गांव में, लोगों में, कि वो अपनी बेटियों का इसमें एनरोलमेंट कराएं जो उस पात्रता के अंदर आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है कि बेटियों की शिक्षा पर जोर होता है कि बेटियां अगर घर में पैदा होती हैं तो ये जिम्मेदारी है सबकी कि उन्हें शिक्षित किया जाए, और इसमें अलग अलग स्टेप पे पैसा दिया जाता है, जन्म पर पैसा दिया जाता है 5वीं में, फिर 8वीं में, फिर 10वीं में, फिर स्नातक पे, तो ये प्रोत्साहन योजना जब बढ़ाई गई है तो ये इससे सुनिश्चित क्या होगा कि लोग अपने बेटियों को
स्नातक बनाने की ओर अग्रसर होंगे और चाहेंगे कि कम से कम वो स्नातक हो, क्योंकि अलग अलग स्टेप पर पैसा दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि एक सकारात्मक